सातवें अधिकार में आया, मतलब अपन उसको सातवें ही मान लो। देखो अपना आठवां अधिकार चल रहा है, पेज नंबर 270। करणा नियोग का प्रयोजन, ये प्रकरण कल अपन ने किया था। करणा नियोग का क्या प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है करणा नियोग का, कि जीव जो है इससे जो है जीवादिक के विशेष भेद जानकर और क्या होता है उसको स्वर्ग नरक के ठिकाने जानकर और जीवादिक के भेद प्रभेद दिखाकर कर्मों की कारण अवस्था फल दिखाकर जीवों को क्या किया है धर्म में लगाया है। पर यदि उपयोग वहां रम जाए तो स्वयं भी पाप छूटकर तत्काल धर्म उत्पन्न होता है, तत्काल नगर का शांति तत्काल प्राप्ति होती है। धर्म के अंदर ऐसा नहीं कि ये धर्म करो तो ये मिलेगा, पुण्य बनेगा, पुण्य का उदय आएगा तब सुख मिलेगा। अभी करोगे तो अभी शांति मिलेगी, जो कर्म बंधेगा और उससे आगे जो होगा वो तो बोनस है, लेकिन अभी शांति मिलेगी अभी करोगे तो अभी स्वयं भी तत्काल धर्म उत्पन्न होगा, स्वयं तत्काल चित्त उसमें रम जाएगा तो रागादिहीन होकर स्वयं ही प्राप्त रूप शांति की प्राप्ति होगी। दूसरी बात कि ये जब ऐसा निरूपण पड़ता है तो इसको जिन धर्म की श्रद्धा उत्पन्न होती है कि ऐसा सूक्ष्म और यथार्थ कथन जिनमत में ही है अन्य कहीं नहीं, तो ऐसा जानकर जिनमत का दृढ़ श्रद्धा नहीं होता। तो ये जो है प्राथमिक भूमिका वाले जीवों के लिए प्रयोजन है कि उनको इसका अभ्यास करके और तत्काल ही धर्म उत्पन्न होता है, साथ में वे जिनमत के श्रद्धानी होते हैं और पाप से छूटकर धर्म में लगते हैं, कर्मों का कर्म बंध के कारण अवस्थाएं उनका फल जानकर उनसे बचकर काय में लगते हैं धर्म में लगते हैं। और जो जीव तत्वज्ञानी होकर इसका अभ्यास करते हैं उनको ये सब, वो जो सामान्य रूप से जो बात पढ़ी है उसी का यहाँ विशेष कथन मिलता है। जो सामान्य से अपन ने जीवादि पढ़े उन्हीं का विस्तार से वर्णन करणा नियोग करता है। सामान्य से जीवादि सात तत्व कहे, करणा नियोग उन्हीं सात तत्व का विस्तार से कथन करता है। सामान्य से हमने पढ़ लिया कि कर्म का बंध होता है, कर्म आते हैं लेकिन कर्म कितने प्रकार के हैं, किन भाव से आते हैं, बंद होने के बाद में वो कितने काल तक जीव के साथ रहते हैं, किस प्रकार से फल देते हैं, ये सब वर्णन करना नियोग करता है। इसको जाने बिना सात तत्व का विशेष श्रद्धा नहीं हो सकता। बाकी जो श्रद्धा है वो सामान्य है, सामान्य रूप से जान लिया कि यहाँ सात तत्व होते हैं, कर्मों का बंद होता है, एक जनरल सामान्य ऊपर ऊपर का ज्ञान है और इसके अभ्यास से विशेष कौन से कर्म होते हैं, किन भाव से बनते हैं, मूल प्रकृति क्या है, उत्तर प्रकृति क्या है, किसका क्या है अनुभाग है, क्या स्थिति है, कैसी पड़ती है, किस गुणस्थान में किनका बंद होता है, किनका नहीं होता है, जीव के परिणामों के निमित्त से क्या क्या होता है, सब खबर पड़ती है। क्या किन भाव से कौन से कर्म का बंद होता है और किन भाव की प्राप्ति होने पर कौन से कर्मों का बंध मिट जाता है, सब पढ़ना। कौन से गुणस्थान में कौन से कर्म का बंध मिट जाता है, कौन से कभी भी होता है, ये सब बातें सीखने से विशेष ध्यान होता है। एक एक बारी की पता चलती है पूरी कर्म कांड की, कर्म के पूरे बंध आदि की पूरी व्यवस्था अपने को स्पष्ट समझ में आने लगती है, तब अपने को एकदम ऐसा नहीं रहता बिल्कुल मोटा मोटा ऊपरी ऊपरी, उसका यथार्थ जैसा है वैसा के वैसा, मतलब बराबर ज्ञान होता है, मतलब
कि ऊपरी ऊपरी बात की बात मतलब ये है कि केवल जैसे कि हाँ ये होता तो है लेकिन कैसे होता है ये नहीं पता है। कर्म बंध तो होता है लेकिन कौन से का और किस तरह से कब उदय आता है उसका पूरा विज्ञान नहीं पता हो तो ऐसी बात इस करना नियम के अभ्यास से नहीं होती बल्कि उसके अभ्यास से पूरा विज्ञान समझ में आता है तो उसका श्रद्धान और दृढ़ होता है। काय का बंध आश्रय बंध आदि का बल्कि और संसार से वैराग्य उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि जब ये इतना कर्म बंध का विस्तार से वर्णन करता है संसार की दशा का चित्रण करता है तो संसार की भयावहता भाषित होती है। संसार कितना भयावह है ना। चार गति का स्वरूप, पांच इंद्रिय वाले जीवों का स्वरूप, छह काय जीवों का स्वरूप, ये सब संसार से भय उत्पन्न कराने वाले। क्या चारों गतियों का वर्णन, नरक के रेंज का वर्णन क्यों है? संसार को वास्तविक स्वरूप बोल दो तो ये इसलिए जो है जो जीव तत्वज्ञानी होकर इसका अभ्यास करते हैं उनको ये सब उसके विशेष भाषित होता है। तो इतना ही है कि वो उसको यथार्थ निश्चय व्यवहार लगा के समझते हैं कि कौन सा कथन निश्चय से और कौन सा कथन व्यवहार भाषित। कितने ही कथन तो क्योंकि यथार्थ जैसे के तैसे हैं और कितने ही कथन उपचार से किए हैं निमित्त आदि की अपेक्षा किए हैं तो ये जो जीव तत्वज्ञानी है उसको बराबर समझता है कि ये निमित्त आदि की अपेक्षा कथन है और ये यथार्थ है। जैसे जीव को मनुष्य कहा है ये शरीर के संयोग की अपेक्षा का और जीव को ज्ञान स्वाभाविक कहा है भक्ति ज्ञान आदि तो ये उसका स्वभाव भाव तो बराबर समझता है। मतलब इसमें नए नहीं लगाते हैं, करना नियोग तो बस कथन कर देता है और नए जो है वो अध्यात्म अपने को नए लगाना सिखाता है कि भाई कहाँ यथार्थ कथन है कहाँ निश्चय से है और कौन सा कथन व्यवहार में से उपचार से। इसे उपचरित और यथार्थ को बराबर समझ के वो यथावत खत्म ही करता है और अपने अपने श्रद्धान को निर्मल करता जाता है। ये देखो वो आता है आगे इस अभ्यास से तत्वज्ञान निर्मल होता है। किससे? करणानियोग के अभ्यास से। करणानियोग अध्यात्म का पूरक है, करणानियोग अध्यात्म का विरोधी नहीं है। समझ में? चारों अनियोग एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते हैं। जैसे खटिया के चार पाट, खटिया के चार डंडे, वो चारों मिलके खटिया को पूर्णता प्रदान करते हैं। उन चारों का परस्पर में कोई विरोध है क्या? परस्पर में कोई विरोध नहीं, बल्कि वो सब होंगे तो काम चले। एक भी नहीं होगा खटिया बैठ जाए, सोने को नहीं मिलेगा। तो इससे तो तत्वज्ञान निर्मल होता है। ये चार अनियों को जिनवाणी हमारे तत्वज्ञान को पेना करती है और हमें दृढ़ता दिलाती है। जिसे सामान्य अभ्यास होता है उसकी जरा पाप का उदय आता है तो भव्य लगता है, जरा पाप का आया नहीं घबराने लगता है और धर्म ध्यान से छोड़ दिया एक तरफ। और जिसके ये पूरा कर्म सिद्धांत का पूरा ज्ञान होता है और जिसके भान होता है कि कैसे कैसे कर्म का उदय आता है जीव को तो वो महातीर पाप का उदय आने पर भी घबराता नहीं है। वो जानता है कि ये आया मेरे खराब भाव के निमित्त से है तो इसका उपचार खराब भाव से नहीं होएगा, बीमारी का इलाज बीमारी से नहीं होएगा, खून खून से नहीं धुलेगा। इसलिए पाप के उदय को धर्म छोड़ के कैसे निपटूंगा मैं? पाप के उदय को पाप करके दूर कर सकूंगा? पाप का उदय पाप करने से डलेगा कि पाप का उदय और बल्कि धर्म ध्यान अधिक करने से डलेगा? और श्रद्धा मिलता ना उसका जीव का जो है वो तो ऊपरी ऊपरी स्थूल बने जिसका अभ्यास होता है तो वह इसलिए जरा जरा से पाप करने के उदय में शिथिल हो जाता है और उन्हें पाप के फल में हर्षित और दुखी हो जाता है। चार दिन की है कौन सा इसमें इसके लिए ज्यादा माथा फोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं। क्या ये चार दिन की पर्याय है? ये सारे संकल्प सारी चीजें मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा लाभ हो गया, क्या ये कुछ नहीं है? ये
ये 2-5 दिन की बात है, ये 2-5 दिन बाद कुछ या के संयोग कुछ मतलब अरे कुछ याद भी नहीं आएंगे, कोई तुम्हारे ज्ञान का विषय भी नहीं बने क्या, समझ में आया ना? ऐसा कहीं कहीं ऐसा कैसा रहेगा? जिसके लिए तुम अभी चिंतित हो रहे हो, तुम उतना तो खर्च भी नहीं कर पाओ, भोग नहीं पाओ, ये तुम्हारे सारे संकल्प विकल्प ऐसे ही है। थे अभी क्षण भर में उठ जाए ये सारी जितनी भी टेंशन करी उसको जोड़ लेती, वो सब क्या रहे निरर्थक, कितने चले जाते हैं ऐसे बैठे बैठे, रात दिन आए दिन सुनते रहते क्या चले बैठे बैठे चले, और चिंताएं कर करके ये ऐसा है वैसा है ऐसा है। मैं भी यहाँ गया था एक जगह सूरत, एक जने थे वो यही अपने बच्चों का वो क्या है तुमने PPF जमा नहीं करा कर्मचारियों का, तो उसका अपने को दंड भुगतना पड़ेगा, इस तारीख के पहले जमा करना था तुमने करे, अब क्या हो गया वो टेंशन में बैठा किता जी हमसे खाना खाओ खाना देखो। और हम आए और आने का खबर लगी तो चलेगा, और PPF की चिंता भी चली गई, PPF मतलब और भी जो भी चिंता उनको चल रही होगी क्या, सब हवेली पड़ी रही मकान पड़े रहे सब जो भी है सब पड़ा है, ऐसा कैसे फालतू की चिंता कर रहे लेकिन कर कि इस बार भरे ही नहीं तुमने, वो क्या काम आया उनके, जो 2-5 रुपये बच जाते उससे टाइम पे नहीं भरा और थोड़ी इसकी पेनल्टी वेनल्टी भरी, और पेनल्टी या काम किसके आ रही वो एक भी चीज कभी जी सोचता नहीं है एक्चुअली कि मेरे को चिंताएं कितनी है और मेरे मतलब प्रयोजन का क्या है, मतलब अधिकांश 90% चिंताएं तो निरर्थक है जी, 90 क्या बल्कि मैं कहता हूँ 99%। ये अपने को मृत्यु के बाद भाषित होगी, उसके पहले भाष जाए तो अच्छी बात है, ये अपना सारा चिंतन जितनी भी चिंता है पालतू है। तो इस अभ्यास से क्या होता है तत्व ज्ञान को निर्मल होता है, निर्मल होता है तो अपने को शांति प्रदान करता रहता है निरंतर अपने अपना आनंद का ऐसे अपने श्रद्धांत से ही तो है, यदि तत्व का श्रद्धांत बना रहे तो कोई दुखी नहीं कर सकता, और तत्व का श्रद्धांत दूर हुआ तो दुख चालू हुआ। तो इस अभ्यास से क्या होता है तत्व ज्ञान निर्मल होता है, जैसे कोई ये तो जानता था कि रत्न है परंतु उस रत्न के बहुत से विशेष जानने पर निर्मल रत्न का पारखी होता है, पता ना? जैसे अब आप लोगों को भी मालूम है कि हीरा है, लेकिन जैसा आपको मालूम है क्या वैसे ही जोरी को मालूम है? क्यों? बेचने वाले की हीरे की परख और आपकी हीरे की परख में अंतर है कि एक सी है? बहुत अंतर वो तो उसके पूरे विशेष जानता है एकदम, एक एक चीज बारी की हाथ में लेती बताता है कि ये इतना का है, इस तरह के हीरे आते हैं उसमें से ये वाला है, और तो और कभी कभी वो यही बताता है कि ये उस दुकान से लेके आया होता और ये इतनी कीमत का आया होगा, और उसने तुमसे यदि इसमें से ज्यादा ले लिए तो ज्यादा ले लिए बताया था हीरे क्या, क्योंकि उनको उसकी परख है, और आप तो बस इतना जानते हो हीरा है, आपको तो बस कोई अरे हीरे की जगह कोई पत्थर भी ले लें इनको और ये समझे कि हाँ हीरा है, लेकिन क्या ज़्यादा जानकारी तो ही नहीं, बहुत मोटी मोटी जानकारी स्थूल, और उसमें आनंदित होते रहते हैं क्या। यदि किसी को महिला को जानकारी नहीं हो कि पीतल और सोने में भेद नहीं कर सकती हो तो उसको पीतल ही दे दे, ये लो सोना प्रसन्न है सोना ऐसी पत्नी काम की है जो भेद नहीं कर सके इसको रोज पीतल ही पीतल देते रहो नहीं नुकसान क्या है उससे कह कि देख तू खरीदने खुद मत जाना सामान्य रूप से सब जानते हैं हीरा और रत्न ये रत्न है, सामान्य रूप से सभी रत्नों के पारखी सामान्य रूप से, लेकिन फिर भी एक जो
जो जोड़ी है या जो रत्न बेचने वाला है उसका विशेष ज्ञान होने से उसका श्रद्धांत पक्का होता है। आपको यदि चार जने कह दे क्या तुम ले आए, तो नकली है। क्या पांच छह जने कह दे नकली है तो इनको लगने लग जाए सही में कि जो नकली है, टेंशन में आ जाए, नकली लगने लग जाए और समझ लो कोई ठग हो और बोले कोई बात नहीं कितने में लेके आए थे 100 रुपए में, कोई बात नहीं चिंता मत करो मैं आपको 50 रुपए देता हूँ, 50 के नुकसान हो 50 तो आ गए ला दो, क्यों दुखी होते ला दो नहीं जी 50 रुपए लेके 50 तो छूटे हो गया, हम तो समझे थे बिल्कुल ही पूरे गए क्या। एक कहानी आती शास्त्र में, एक पंडित जी जो है बकरी लेके आए थे, सबने कहा कि ये क्या लेके आए, बिल्ली है तो बिल्ली, जब सबने चार जनों को कहा तो बिल्ली कहाँ लेके जा रहा, तो उन्होंने कहा सही में मेरे हाथ में बिल्ली है और बिल्ली को तो नहीं हाथ में लेके चले थे, छोड़ दो उसको क्या था? जिनका खुद का निर्णय नहीं होता है उनकी ऐसी दशा होती है, जिनका खुद का निर्णय होता है उनको सब लोग मिलके भी कह दे कि ये बिल्ली है तो भी कहेंगे तो बकरी है बकरी, ऐसे सब लोग कह दे कि ये तो नकली है बोले नकली तुम्हारे यहाँ होगा ये तो असली है। इसलिए आजकल मशीनें भी चल गई पता करती मशीनें कि असली है कि नकली है, पहले भी करती है क्या मतलब जो भी ये खेल, मैंने कहने का मतलब इतना ही है कि जिसका श्रद्धा निर्मल होता है जिसको ज्यादा विशेष जानता है तो उसका दृढ़ श्रद्धा होता है, पूरा 3 लोग भी उसको हिलाने आए तो भी वो हिलता नहीं, सब लोग मिलके भी कहे कि असली हीरा नहीं है तो भी कभी कोई जोरी को बेवकूफ नहीं बना सकता। क्या अम्मा जी कितने ही कहे कि भाई मैं तो असली लेके आई हूँ ये नकली नहीं है, और यदि वो उसको समझ में आ गया कि ये नकली है तो कह देगा नकली है ये, 1 रुपया भी मैंने जो कहा उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, अथवा कोई बेचने ही और कहीं सही है तो बोले असली है, इसी पकड़ से तो वो कमा रहे हैं, और यदि उनको पकड़ नहीं होती और आपके समान ही होते जैसा आपका श्रद्धान है ऐसी उनका तो क्या मिलता उनको, तो वो उनका जो श्रद्धान है उसका हेतु क्या है बताओ, ये हीरे ही है क्या, ये नकली नहीं है अथवा ये सोने ही है ये पीतल नहीं है, इस श्रद्धान का हेतु इस श्रद्धान का कारण क्या है, वो विशेष जानते हैं सब भेद प्रभेद से, और उसकी उन्होंने अच्छी पहचान की है, और उस पहचान के बल से उनका एक पक्का श्रद्धान है कि ये कुछ भी हो ये है हीरे ही, ये नकली नहीं, इसमें सारे असली हीरे के गुण हैं इसलिए हीरा है, चाहे कोई कुछ भी कहे लेकिन ये हीरा है, दुनिया भले अभी कीमत ना भी करे कोई नी भी ले उसको उस भाव तो भी असली जोड़ी जानता है कि इसकी कीमत तो इतनी है। ऐसे जिन्हें तत्व का विशेष ज्ञान होता है उन्हें तत्व का दृढ़ श्रद्धा होता है। क्या जीवा जीव का यथार्थ स्वरूप जानते हैं कि ये तो इस रूप ही है, 3 लोक में कोई कुछ भी कहे अनेक खोटी युक्तियां दे तर्क दे उदाहरण दे दृष्टांत दे लेकिन उनका दृढ़ श्रद्धा नहीं वस्तु स्वरूप तो इसी रूप है, क्यों उनका यह दृढ़ श्रद्धा विशेष ज्ञान लोक में भी जो जितना विशेष जानता उसको उतना विशेष श्रद्धा होता, क्या हर चीज के अंदर हो रहे क्या, दुनिया में एक सतही तौर से लोग काम करते हैं और एक किसी भी चीज के अंदर घुस के उसके विशेष भेद प्रभेद से जान के काम करते हैं सफलता कौन पाते हैं, ऊपर ऊपर से जानने वाले, मैं ऊपर ऊपर जान लिया तो विशेष रूप से जो जानते हैं एक चीज बारीकी को तो वो उसके अंदर सफलता प्राप्त करते हैं, ऐसे तत्व के अंदर भी ऐसे जो तत्व ज्ञान के विशेष भेद प्रभेद आदि सहित इनको विशेष रूप से जानते हैं उनके श्रद्धांत में स्वयमेव निर्मलता आती है। दिया ना उन्होंने उदाहरण दिया जैसे कोई यह तो जानता था कि ये रत्न है परंतु उस रत्न के बहुत से विशेष विशेष माने भेद प्रभेद, जैसे रत्न भी बहुत तरह के होते हैं, काला भी रत्न होता है क्या आपको नहीं मालूम होगा, पता मालूम होगा एक काला भी हीरा होता है, काला नीला पीला और ये सफेद हीरे से बहुत महंगे बिकते हैं, जो सफेद रत्न होता है ना वो सस्ता होता है और काला महंगा होता है, ये अपने को भी ज्ञान नहीं था किसी ने करा है तो अपने को भी थोड़ा ज्ञान बाकी ज्यादा उससे मतलब
वो जानते हैं, इसलिए कभी कोई काला भी देने आ जाए कि हीरे के नाम पे, जिसको मालूम हो वो जानता है कि हीरा, और अपने कोई कहीं काला कपड़ के भी काला हीरा होता है क्या? हीरा तो हमेशा सफेद ही होता है। जिन्हें ज्ञान नहीं होगा उनका ऐसी स्थिति, कोई ये तो जानता था कि रत्न है, परंतु उस रत्न के बहुत से विशेष जानने पर, मतलब भेद प्रभेद जानने पर, निर्मल रत्न का पारखी होता है। उसी प्रकार तत्वों को जानता था ये जीवा दिखे, परंतु तत्वों के बहुत विशेष जाने, विषय में बहुत विशेषता से, अनेक भेद प्रवेश से जाने, तो तत्व ज्ञान कैसा होता है? तो निर्मल तत्व ज्ञान होता है। और तत्व ज्ञान निर्मल होने पर आप ही, अपने आप ही, स्वयं ही विशेष धर्मात्मा होता है। किसी को उसको कहना नहीं पड़ता है, मैंने धर्मात्मा पना उसके अंतरंग से उत्पन्न होता है। क्या वो सच्चा धर्मात्मा पना? ये मार मार के कराना, मार मार के मुसलमान बनाना, ये जैन धर्म ने सिखाना कि तुम ये करो, क्या नहीं तो तुमको ये हो, मतलब भय नहीं दिखाना है उसको, वस्तु का स्वरूप दिखाना है कि देखो इसका फल ये है, इसका फल ये है, और ये करने से आनंद की प्राप्ति होती है, ये आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, इसलिए अपने को करना है। मैंने ये नहीं कि भाई भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान हमारी खबर ले लेंगे, और हमने पूजा छोड़ दी आज इस वेदी की, और इस वेदी में पूजा ही नहीं हुई तो समाज के ऊपर कोई उपद्रव आ जाए, क्या ऐसे कोई ये कोई भय के काम तो नहीं, भय भय कुछ नहीं, ये तो वास्तव में अपने आनंद की वस्तु है। क्या तो धर्मात्मा आप ही होता है, धर्मात्मा एक बार, धर्मात्मा बनाने से कोई नहीं बनता है, धर्मात्मा पना अपने आप अंतरंग से उत्पन्न होता है। क्या जब वस्तु व्यवस्था समझ में आती है, और उसमें वस्तु व्यवस्था समझने के बाद में अपने आप रागादि भाव दुख रूप लगते हैं, तो जीव को उन भावों को करने की रुचि उत्पन्न नहीं होती। आप इसमें शांति लगती है तो अपने आप को पर द्रव्य से छूटते चले। क्या भाई जिनेंद्र भगवान की पूजन में, स्वाध्याय में, और भी धर्म के अनुष्ठानों में यदि अपने को शांति प्रतीत होगी, आनंद लगेगा, तो स्वयं अपनी उसमें रुचि होगी। और जो जो इसमें ज्ञान बढ़ता है त्यों आनंद बढ़ता है, तो ज्ञान बढ़ता है, आनंद बढ़ता है, तो अपने आप विशेष श्रद्धा और धर्मात्मा अपना अपने आप लग जाता है। तो तत्व ज्ञान निर्मल होने पर आप ही विशेष धर्मात्मा होता है, तथा अन्य ठिकाने उपयोग को लगाए तो क्या होता है? रागादिक की वृद्धि। देखो 24 घंटे अपने पास पड़े, समझ में है ना? और अब आपको क्या है, जैसे कि उपयोग तो कहीं ना कहीं लगाने को चाहिए, जैसे किसी की पढ़ने की आदत है, कुछ ना कुछ तो पढ़ेगा। और अब यदि समझ लो उसने प्रथमा नियोग सब कुछ अच्छा है, उसकी कहानियां सब मालूम है, उसको चरणा नियोग भी मोटा मोटा मालूम है, द्रव्या नियोग का उद्देश्य सुन लिया, तो अब नया विषय चाहिए तो उपयोग का लगाएगा, क्योंकि ये तो सब रिपीटेशन है इनमें अधिकांश। द्रव्या नियोग का एक सीमित विषय है, उसके बाद में उसमें पुनरुक्ति अधिकांश। क्या यद्यपि उसमें भी भेद प्रभेद में जाओ, उसकी डिटेल में जाओ, लेकिन फिर भी उसमें भावना प्रधान होने से विषय की पुनरुक्ति आई बिना रहती नहीं। भावना प्रधान है ना, उसकी भावना भाई जाती है, भेद विज्ञान की निरंतर भावना भाई जाती है, तो उसमें विषय के नाम पर कुछ नहीं आती। जैसे प्रथमा नियोग में कहानी है, चरणा नियोग में वो ऐसा है कि अपन ने एक बार सुन लिया कि भाई ये भक्ष है, ये अभक्ष है, ये जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए, इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, ये श्रावक धर्म है, ये मुनि धर्म, ये व्रत है, अणुव्रत है, महाव्रत, समझ लिया। अब जीव को विशेष जानना है तो वो उपयोग का मिला, तो उसको उपयोग लगाने के लिए यह योग है कि इसमें तो जितना डिटेल में जाए उतनी डिटेल कर सकता है। तो पूरा तीन लोग को समझना चाहे तो तीन लोग का जितना विस्तार करना चाहे उतना विस्तार किया है आचार्य, खूब, माने ये खुल के मैदान है बिल्कुल, इसमें तो जितना खेलना चाहे उतना खेल सकता, यहाँ कोई सीमाएं नहीं है, क्या यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है, यहाँ तो जितना मतलब जितना अध्ययन करना चाहे, जितना जानना चाहे, जितना उपयोग लगाना चाहे, अपने समय का जितना सदुपयोग करना चाहे उतना है। क्या
मतलब तेरी जो जानने की इच्छा है नए नए विषयों की, तो तू इसमें खूब विषय है क्या, तेरी जितनी जिज्ञासा होगी उतनी पूर्ति करता जाएगा, क्योंकि इसमें नए नए विषय है, इसमें हर पंक्ति नई नई है, रिपीटेशन का कोई काम ही नहीं, और इतना विषय है कि तू पूरी जिंदगी भर में अच्छे से अभ्यास करेगा तो भी तेरे पूरा नहीं पड़ेगा, इतना पड़ता है इसमें, खूब पट रहे उसमें, और इसी के अंदर पूरा सूक्ष्मता से पूरा हर चीज का विस्तार से वर्णन किया, क्या डिटेल इसी में ही है सारा कथन। अधिकांश सैद्धांतिक जो चर्चाएं होती है वो सब इस अनियोग के अवलंबन से होती है, क्योंकि द्रव्य नियम में सबका अधिकार चल जाता है भाई, सामान्य कथन है उसमें हेतु तर्क युक्ति वगैरह, ऐसी जो आभा गोपाल सबको समझ में आए, प्रथमा नियम की कहानी तो कहो ही क्या, हो तो आप बताओ, इनको बताओ तो ये अपने को बता दे इसके आगे क्या कर लीजिए, और चरणा नियम तो लोगों का खुद का खुद समझा हुआ अच्छे से, और वो तो अपना अपना चरणा नियम भी सबका अपना अलग अलग है, एक इसी में आदमी तभी इसमें अधिकार तभी हो सकता है जब उसका अभ्यास हो। मैं आपसे पूछूं विचार करो कितना लंबा है, गुणस्थान कितने हैं, जीव समाज कितने हैं, क्या, तो ये तभी बता सकेगा व्यक्ति कब, जब उसका उस विषय संबंधी अभ्यास हो। मैं इसमें इसमें जरा सी भी अपनी वो नहीं लगती क्या गैस, जैसे मैंने पूछा स्त्री वेद कर्म की स्थिति कितनी है, गैस मान क्या गैस में गैस तो के नहीं चलते इसके अंदर, जो करते हो यदि इसमें आता है तो आता है, नहीं आता है। ये अनियोग जो है बताता है क्या क्या है, इसमें हेतु भी नहीं है ज्यादा, हेतु जहाँ आवश्यक समझे वहां उन्होंने दिए हैं, लेकिन फिर भी ये तीन अनियोग अहेतुवाद आगम माने जाते हैं, प्रथमा नियोग करणा नियोग और चरणा और द्रव्या नियोग हेतुवाद आगम, तो इसमें खूब मतलब जिसको उपयोग लगाना है, जिसको अपना जीवन धर्म में लगाना है उसके लिए बहुत प्रयोजनभूत है, क्योंकि इसमें बहुत विषय मिलता है उसको नया नया, जिससे उसका उपयोग जो है निरंतर उसमें नमा रहता है, और नई नई बातें जानने को मिलती है, बहुत नई बातें जानने को, क्योंकि इसमें नवीन नवीन विषय, हर चीज नई, हर चीज नई, मैंने जैसे रोज नया नया भोजन है इसका, तो इससे क्या होता है यदि यहाँ ठिकाने उपयोग को लगाए तो राग की वृद्धि नहीं होती बल्कि रागादि की हानि होती है, और इसमें उपयोग नहीं लगाएगा तो फिर निश्चित रूप से वो छन्मस्त कहीं ना कहीं उपयोग तो लगाएगा, और जहाँ उपयोग लगाएगा तो वह रागादि की वृद्धि करेगा, क्या, क्योंकि स्वरूप के अंदर स्वरूप में तो कोई पूरे काल बुद्धि रहती नहीं छन्मस्त की, तो उपयोग कहीं ना कहीं तो लगाएगा ना, और अन्य ठिकाने जो उपयोग लगाता है वहाँ तीव्र रागादि परिणाम ये होते हैं क्या, और यहाँ रागादि की नियम से हानि होती क्योंकि इसमें रागादि की वृद्धि का कोई प्रयोजन ही नहीं, गुणस्थान जानोगे तो राग की वृद्धि होगी हानि, गुणस्थान मरणा स्थान जीव समास क्या कर्म बंध कर्म के पूरे भेद प्रभेद तीन लोक की रचनाएं पांच लब्धि लब्धि सार छपना सार तिलोई पंडित ये सब चीजें, अरे सब रोचक भी है यदि इसको अच्छे से पढ़ ले तो आदमी ज्योतिषी मतलब वो हाथ देखने वाला नहीं, मैंने सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र की कैसी गति होती है पूरा कैलेंडर बना सकता है, पूरा सरल है इसका क्या कब कौन सी तिथि आएगी कौन सी दो तिथि तीन तिथि सब निकाल सकते हैं उससे थोड़ा अच्छे से पढ़ ले तो। मतलब कहने का मतलब इसमें इतना वो है पूरा ज्योतिष का मतलब ज्योतिष का मतलब है वो हाथ वाला नहीं ज्योतिष का ध्यान रखें मैंने सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे आदि की गति आगत गति वगैरह हाँ और जो है पूरा कर्म कांड की पूरी व्यवस्था कर्म सिद्धांत का ज्ञाता हो सकता है एकदम एक्सपर्ट पूरा जीवों की व्यवस्था का जीव कांड का ज्ञाता क्या तो ये इन सब इसमें ये विषय है और इन विषयों को जानने से पूरा अपना जो मतलब अपना ये जो जो दूसरा अनियोग का ज्ञान है दूसरे अनियोग के ज्ञान को ये क्या करता है दृढ़ता और उसमें और एक्सपर्टीज लेके आता है क्या मैंने वो जो सामान्य पने जो जाना था उसी के अंदर ये विशेषज्ञता हासिल हो जाती है उसी विषय की जैसे अपन पहले जो थ्योरियाँ अपन जो आठवीं नवीं में पढ़ते हैं
ऊपर की क्लास में जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो क्या होती है, वो जो पीछे की चीजें वो अपनी पक्की हो जाती है ऐसी इसकी स्थिति। तो अन्य ठिकाने उपयोग को लगाए तो काय की वृद्धि होती है, रागादि की वृद्धि होती है। और छद्मस्थ का उपयोग निरंतर एकाग्र नहीं रहता, इसलिए ज्ञानी कौन, सम्यक ज्ञानी इस करना नियम के अभ्यास में उपयोग को लगाता है। क्या वो जानता है अपनी दशा, जानता है कि मेरी दशा क्या है। पूरे समय तो स्वरूप में बुद्धि गणधरों की नहीं लगती, चार ज्ञान की धारी गणधर यदि कोई स्वरूपस्थ रह जाए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, अंतर मूर्त तक आत्म स्वरूप में लीन रहे तो उसका फल केवल ज्ञान। तो जानते हैं कि स्वरूप में पूरे समय उपयोग लगता नहीं, पर आप स्वरूप में उपयोग नहीं लगेगा और यदि उपयोग इसमें नहीं लगाएंगे तो अन्य जगह लगेगा, पर अन्य ठिकाने लगाएंगे तो वहां क्या होगा, रागादिक की वृद्धि होगी। इसलिए रागादिक हीन बने रहे और रागादिक हीन रहे ताकि नवीन कर्मबंध न हो अधिक, और जहां अपने स्वभाव की मुख्यता हो, क्या जहां अवसर मिले, मतलब जहां भेद विज्ञान की उग्र भावना भाई इसी अनियोग के अभ्यास से, तो स्वरूप में स्थिरता करेंगे। लेकिन जब तक नहीं होगी तब तक क्या करेंगे, इन इन इसमें अपना अभ्यास, इसमें अपने उपयोग को लगाए रखें। समझ में आए ना, क्योंकि नहीं तो नीचे गिरने की, नीचे गिरने की गुंजाइश है। यदि वो अपना उपयोग इनमें न लगाए, क्या करना नहीं हो के अभ्यास में न लगाए और स्वरूप अनुभव में अधिक काल स्थिति न रहे तो क्या होगा, छठे गुणस्तर में काल तो अंतर्मृत का, या तो स्वरूप अनुभव करे और नहीं तो इसमें रहे, इसमें इसमें भी नहीं रहेंगे तो नीचे ही जाना है। स्वरूप अनुभव से च्युत हुए तो कहाँ लगाना पड़ेगा उपयोग, इसमें। मुनिराज के इसलिए दो एक तीन ही काम बताए, ज्ञान ध्यान और तप, ज्ञान ध्यान तपो रखता, ये तीन काम करो। आगम का अभ्यास करें, आगम के अभ्यास के बल से अपने स्वरूप में उपयोग लगाए, स्वरूप में उपयोग नहीं रहे तो इसका अभ्यास ऐसे इधर उधर नहीं। और इसके अभ्यास से भी अपने आत्म तत्व को मुख्य करके उसमें लीनता का अभ्यास करें, वो इसी के लिए नहीं, यानी हम तत्व का श्रद्धान दृढ़ होकर अपने आत्म तत्व की रुचि और उग्र हो गए और उसमें स्थिरता और बढ़े। तो इसलिए ज्ञानी इस करणानियोग के अभ्यास में उपयोग को लगाता है, उससे केवल ज्ञान द्वारा देखे गए पदार्थों का जानपना इसके होता है। क्या होता है इससे, जो भगवान जिनेंद्र ने जो पदार्थ देखे उसका जानना इसके होता है। बस प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ही का भेद है, भाषित होने में विरुद्धता नहीं है। क्या ये परोक्ष रूप से जानता है आगम के आधार से और अप्रत्यक्ष जानता है। क्या अपन ने नरकों के जो पाथड़े जाने के, नरकों के अंदर इतने 49 पाथड़े हैं, स्वर्ग में 63 पटल है, ये अपन ने आगम से जाना और उन्होंने प्रत्यक्ष जाना, तो हमारे जानने में और उनके जानने में परोक्ष प्रत्यक्ष का भेद तो है, लेकिन यथार्थता की अपेक्षा कोई भेद नहीं है। जैसा वो जान रहे हैं ऐसे ही जान, सम्यक पने की अपेक्षा, उन्हें सच्चे पने की अपेक्षा कोई अंतर नहीं। उन्होंने भी क्षेत्र भी देखे, हमने भी क्षेत्र भी आगम से देखे, उन्होंने भी क्षेत्र के समूह को विश्व रूप देखा, हमने भी देखा। क्या उन्होंने चार गति देखी, हमने आगम से देखी, उन्होंने पांच इंद्री देखी, हमने भी देखी, कुछ हमने यहाँ प्रत्यक्ष भी देखा और कुछ आगम से देखा। मैंने जो चीजें वो केवल ज्ञान के द्वारा लोकालोक देखते हैं, और जो तीन लोग तीन काल उनके द्वारा जाना गया, वो उन्होंने इस करणानियोग के माध्यम से निरूपित किया और हमें भी उसका ज्ञान हो जाता है। लेकिन बस इतना ही है कि वो प्रत्यक्ष जानते हैं और हम अप्रत्यक्ष जानते हैं, लेकिन यथार्थता की अपेक्षा कोई अंतर नहीं, भाषित होने में विरुद्धता नहीं है। भाषित दोनों को यथार्थ सत्यार्थ, इस प्रकार यह करणानियोग का प्रयोजन जानना, इस प्रकार यह करणानियोग का प्रयोजन बताया। अब देखो करण की क्या अर्थ है, माने जो करणानियोग जो शब्द है, तो इस करणानियोग शब्द का क्या अर्थ है बताते। करण अर्थात गणित कार्य के कारण रूप सूत्र, क्या अर्थ किया उन्होंने, करण माने
करण माने गणित कार्य के कारण रूप सूत्र, करण वैसे गणित को कहते हैं, करण का एक अर्थ होता है गणित भी, करण के से अनेक अर्थ, करण परिणामों को भी कहते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण जो है किसके द्वारा किया गया उसमें भी करण शब्द का प्रयोग होता है, करण कान को भी कहते हैं करण, क्या यहाँ करण का अर्थ क्या क्या होंगे, गणित, गणित के कारण रूप जो सूत्र है, गणित रूप कार्य के कारण रूप जो सूत्र, उनका जिसमें अनियोग, अनियोग माने अधिकार हो, जिसमें गणित की मुख्यता से वर्णन हो वह क्या है, करणानियोग, इसमें गणित वर्णन की मुख्यता ऐसा जानना, क्या एक एक अनियोग की स्टाइल, प्रथमानियोग काव्य अलंकार शैली से कथन करता है क्योंकि उसमें कहानी है, कहानियों में अलंकारिक कथन होता है, अलंकार से कथन करता है, समझ में अलंकार क्या होता है मालूम है, क्योंकि आज के समय अंग्रेज हो गए बहुत बड़ा चक्कर है लोग, काव्य अलंकार ये सब हिंदी साहित्य की छटा है, सब जैसे अंग्रेजी में भी होते हैं, सब अलंकारिक वर्णन होता है ना, जैसे अलंकार मैंने अच्छा रूपक देके, अच्छी उपमाएं देके, अच्छा रस देके, नौ रसों में वर्णन करेंगे, वीर रस, श्रृंगार रस, और अच्छा अलंकारिक किसी की उपमा दे दुआ के मैंने पूरा वर्णन ऐसा चलेगा, एक लाइन में नहीं बोल देंगे कि बस राम की सीता शादी हो गई, पूरा सीता का अच्छी सुंदरता का वर्णन करेंगे, एक दो चार बंदे चार बंदे तक सीता ही चलती रही तो उसकी स्टाइल, कई लोगों को बड़ा लगता है कि अभी नगर सीधे बता दे, तीन पन्ने से हम यही पढ़ रहे हैं कि नगर कैसा है, इतनी खाई है और इतने ये कुए हैं, ये हुए हैं, पूरी नगरी मानो ये हुए, राजा का वर्णन हुआ चलता रहता है, कई लोगों को बड़ी उसमें वो लगती है, अरे भाई कथा तो कहानी की तरफ से बताएंगे ना, जब तक उसकी पूरा वर्णन नहीं करेंगे राज्य का तब तक तुम्हें भाषित कैसे होगा कि वो राज्य कैसा था, तुमको लगे यही इंदौर उज्जैन जैसा होगा और क्या, नहीं आपने जैसे उसमें अंतर, उसमें कुछ विशेषता दिखनी चाहिए, तो उसमें काव्य अलंकार शैली से वर्णन, साहित्यिक ज्ञान होना चाहिए उसके लिए, उसको पढ़ने के, और ये करना नियम में गणित की मुख्यता है, ये जिसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, मैथ्स अच्छा है, ये उसके लिए, और अपनी अपनी रुचि है, किसी की साहित्यिक रुचि होती है, किसी की गणित में रुचि होती है, किसी की तर्क में रुचि होती है, किसी की सिविक्स में क्या क्या करना चाहिए, नीति शास्त्र में रुचि होती है, तो जिसकी जो रुचि हो, करना नियम द्रव्य नियम है, इसमें चरणा नियम में सुभाषित नीति शास्त्र की मुख्यता है, सुभाषित नीति शास्त्र माने नीति क्या कहती है, जिससे सब लोग परस्पर में सुखी रहे, नीति का वर्णन कर कि भाई सब अपनी अपनी वस्तु का उपभोग करे, कोई दूसरे की वस्तु को न हरण करे, तो इससे सब क्या रहेंगे, सुखी रहेंगे, परस्पर में कैसे एक व्यवस्थित व्यवस्था का निर्माण किया जाए जिससे किसी को दुखी ना हो और सब सुख शांति से जीवन में, यूं कहें कि आदमी को आदमी बनाना चढ़ना नहीं चाहिए, आदमी को जानवर बचाने से बचाना, कि वो जानवर नहीं बन जाए, जानवर है ना, जानवरों में कोई नियम नहीं होते, उनको चढ़ना नहीं हो तो क्यों काय तरीके का परिमाण कर ले, मतलब उसको कुछ ज्ञान नहीं है ना, उसको त्रियन चाबी फेंकी है, लेकिन मनुष्यों को अपन पूरा विवेक सिखाते हैं कि देखो भैया ये तुम्हारा मकान है, दूसरे के मकान में नहीं घुसना, सब चीजें तुम्हारी जेब का पैसा है उसको तुम खर्च कर सकते हो, ऐसे ही नहीं कि किसी की जेब का भी निकाला देंगे, तो ये सब चरणा नियोग सिखाता है कि दूसरे का धन हरण करना वो चोरी है, पाप है, जैसे अपने में प्राण है ऐसे दूसरे भी जीव के प्राण है, जैसे तुम्हें पीड़ा पहुंचती है उसको पीड़ा पहुंचती, तो ये चरणा नियोग सिखाता है, सुभाषित नीति शास्त्र, और द्रव्या नियोग न्याय शास्त्र, पूरा न्याय से कथन करता है, वस्तु स्वरूप के साथ तर्क युक्ति से इसे वर्णन करता है, इनकी अपनी अपनी एक स्टाइल है, तो ये गणित की मुख्यता से इसमें वर्णन है। अब चरणा नियोग का प्रयोजन कहते देखो, आप चरणा नियोग का प्रयोजन कहते हैं, चरणा नियोग में नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाते हैं, क्या करते हैं इसमें नाना प्रकार धर्म के साधन बताते हैं, भाई जो जो धर्म करना चाहता है तो लोग पूछते हैं क्या करें साहब, हमको धर्म करना है क्या करें,
तो उनको अपने कहो रत्नत्रय करो, तो समझ में नहीं आता हूँ कि रत्नत्रय प्रकट करो, तो फिर उनको अपने साधन बताने को, देखो तुम सुबह उठ के पूजा करा करो, फिर उसके बाद में आधे घंटे स्वाध्याय करा करो, फिर एक जाप भी दिया करो क्या, और शाम को सामायिक करा करो, और रात को मैं भोजन किया करो। तो ये सब क्या है, साधन है, ये साध्य नहीं है, लोग इसको साध्य मानते हैं। लोग जैसे समझ लो किसी ने रात्रि भोजन छोड़ दिया, जमीकन छोड़ दिया, प्रतिदिन देव दर्शन करने लगा, पूजन करने लगा, तो वो समझता मैं धर्मात्मा हो गया। अरे वो धर्मात्मा तू नहीं हुआ, ये तो केवल तेरे को ये इन साधनों के द्वारा धर्म में लगाया है, मैंने ये साधन जो है तेरे को असली वीतरागी वीतरागी तत्व की प्राप्ति हो इसके लिए है ये सब। ये सब साधन भेद विज्ञान की प्राप्ति के लिए हैं। तू रात को नहीं खाएगा, दिन में खाएगा तो अपने आप रात को मंदिर आने का समय मिलेगा, तो मंदिर आने का समय मिलेगा, साथ में ये तत्व ज्ञान का अभ्यास करेगा। और दूसरी बात, ऐसा तीव्र पाप का बंध नहीं होगा तो अपने आप तेरे को धर्म के साधन मिलते रहेंगे। और तू पाप का काम करेगा घोर, तो तेरे पाप का काम करने से तेरे मोक्ष मार्ग के साधन सब क्या होंगे दूर। भाई राग आदि छूटेगा नहीं, और राग छूटेगा तो ये इसमें लगेगा, वीतरागी मार्ग में लगेगा। और यदि राग तीव्र राग रूप परिणाम परिणति रहेगी तो इसमें तेरी वीतराग रूप धर्म को सुनने की रुचि उत्पन्न नहीं होगी। मतलब उसका निमित्त निमित्त संबंध है क्या, इसलिए वो साधन बताने पड़ते हैं। जिसको कुछ एक्टिविटी, मतलब जिसको कुछ धर्म करना है तो उसको हमको एक्टिविटी देनी पड़ेगी, चलो ये करो ये करो ये करो। अब वो क्या होता है कि आदमी ये समझता है कि एक्टिविटी धर्म है, बस वो वहाँ दिक्कत होती है। वो एक्टिविटी बताना तो चरणानियों का काम है, और वो अपने प्रयोजन की सिद्धि भी करता है, लेकिन बस उसी को धर्म मान के जो बैठता है कि भाई मैंने ये कर लिया, मैंने सुबह पूजा कर लिया, और फिर क्या करना घर आ गए, मतलब हो गया धर्म, जो भी मंदिर में कर आए पूरा, अब यहाँ तो अपने को पूरा पाप करने की छूट मिली। तो ऐसा नहीं है, वो धर्म साधन इसलिए बताया था कि तेरे जीवन में वीतरागता प्रकट हो, और वीतरागता बनी रहे, तो केवल उतने ही समय के लिए थोड़ी नहीं, कुछ घर में भी ले जाना है, यहाँ कुछ कमा के कि यहाँ कहीं छोड़ के जाना। जो विशुद्धि अपन ने यहाँ उत्पन्न की है वो विशुद्धि कुछ घर भी जानी चाहिए, यहीं की यहीं विशुद्धि खत्म, प्रवचन खत्म क्या, और यहीं की दरी बोला सर हम तो यहीं कहीं छोड़ जाते सर, कुछ भी घर ले जाने का। तो उसके लिए यहाँ पे नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपित करके उन जीवों को कायम लगाते हैं, धर्म में लगाते हैं। जो जीव हितायित को नहीं जानते, हिंसादिक पाप कार्यों में तत्पर ही रहते हैं, उन्हें जिस प्रकार पाप कार्यों को छोड़कर धर्म कार्यों में लगे उस प्रकार उपदेश दिया। कई लोग जो है ना रात दिन पाप के धंधों में लगे रहते हैं, तो उनको चरणादियों के द्वारा उपदेश दिया जाता है कि भैया तुम रोज कम से कम एक जाप दिया करो, भगवान की पूजन किया करो क्या, और सबसे बड़ी बात तुम स्वाध्याय किया, तो तुम्हारे ये जो पाप कार्य है ये थोड़े कम होंगे, ये तो इसी को सर्वस्व मान के इसी में जिंदगी पूरी हो जाएगी। तो लोगों को अपने को इन्हीं साधनों से धर्म में जोड़ना होता है क्या, लोगों को लगता भी यहाँ मैंने कुछ किया, एक्चुअल में क्या है कि नहीं तो लगता ही नहीं, यदि आप कुछ एक्टिविटी नहीं दो और उन्होंने एक्टिविटी नहीं की तो उन्हें लगता ही नहीं अपने कुछ किया है, इसलिए उनको एक्टिविटी बताना भी थोड़ी जरूरी है, और उसके निमित्त से उनके रागादि भाव भी घटते हैं। जैसे किसी से कहा कि रात्रि भोजन का त्याग कर, उसने रात्रि भोजन छोड़ दिया तो उसको अंदर में आनंद भी लगता है, राग कम हुआ कि हुआ, उसको राग भी कम हुआ और पाप बंध खत्म हुआ उसका क्या। और दूसरी बात कि अब वो रात्रि भोजन नहीं करेगा तो अपने आप समय बचेगा कि नहीं बचेगा, वो समय बचेगा तो तत्व ज्ञान का अभ्यास करें, और नहीं तो जिनके घरों में रात को चौके चूल्हे चलते हैं उनको यहाँ आने का समय नहीं मिलता। जिस समय अपन लोग यहाँ बैठ के स्वाध्याय करते हैं, धर्म ध्यान करते रहते हैं, उस समय बर्तन चूके चूल्हे उसमें लगे कई घर ऐसे, ये तो बहुत कम है जिन लोगों के भी ऐसी, जिनके ऐसी जो है परंपरा चली आई कि सही शाम के बाद भोजन नहीं करना, रात्रि होती चौका बंद, तो वो लोग को शाम को मंदिर आने का अवसर मिला। बाकी जिनके यहाँ ऐसे संस्कार ही नहीं इस जाति के, तो वो तो रात को भी चौके चूल्हे में लगे रहते, बर्तन मांजती रहती नहीं होती भाई, घोर आरंभ होता है घोर आरंभ हिंसा, रात को क्या है उनका
जो काम शांति से धर्म साधना का है उस काम पे आदमी आरंभ सारंभ करे कितना पाप बंद हो। तो इसलिए ये सब उसको जो जो चीज हिंसा अधिक में ही तत्पर है क्या उनको जिस प्रकार भी पाप कार्यों को छोड़कर वो धर्म में लगे उस प्रकार उनको उपदेश दिया। रात्रि भोजन त्याग करो, प्रतिदिन देव दर्शन करो, अंचना जल छोड़ो, जमी कन छोड़ो, स्वाध्याय करो, जाप दो, ये सब एक षट आवश्यक देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम सरव तप करो दान दे नहीं तो पाप छूटते नहीं। आप धन से जैसे परी धन से जिसको राग थी तब उसका राग छोड़ने के लिए क्या करें, ठीक है तेरा नाम लिखा देंगे दे तो सही कुछ तो राग छूटे इससे। उन्हें जिस प्रकार पाप कार्यों को छोड़कर धर्म कार्यों में लगे उस प्रकार उपदेश दिया है उसे जानकर जो धर्म आचरण करने को सम्मुख हुए उसे जानकर उसे सुनकर वे जीव गृहस्थ धर्म व मुनि धर्म का विधान सुनकर आपसे जैसा सदे वैसे धर्म साधन में लगते क्या। उसे जानकर धर्म आचरण करने को जो जीव सम्मुख हुए अपने चरणानियोग के उपदेश को जानकर अथवा धर्मोपदेश को जानकर जो अब धर्म आचरण करने के सन्मुख मतलब जिनके अंदर ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुई कि मेरे को अब कुछ धर्म का आचरण करना है, मेरे को कुछ धर्म करना है तो करना है तो फिर उसके लिए हमने दो प्रकार से उपदेश दिया। देख भी ये है मुनि धर्म ये गृहस्थ है, ये तेरे को गृहस्थी में लेकर धर्म करना है, मुनि धर्म धारण करने की सामर्थ्य नहीं है तो उसमें इस प्रकार के अनुव्रत अनुव्रत है, ये अनुव्रत है गुणव्रत है शिक्षाव्रत ये गृहस्थों के 12 व्रत। और यदि मुनि धर्म धारण करने की शक्ति है तो ये महाव्रत है इनको धारण जैसी सामर्थ्यों के साथ धर्म धारण करना। तो जो आचरण करने के सन्मुख है उसको गृहस्थ धर्म का मुनि धर्म का विधान बताया और वो विधान सुनकर उससे जैसा सदे वैसे धर्म साधन में लगता है अपनी शक्ति को देख कर मेरी इतनी शक्ति है उस शक्ति प्रमाण धर्म साधन में क्या करता है लगता है। तो चोपड़ी का अभाव का नाम वास्तव लेकिन उसके अलावा भी जैसे कोई भी गृहस्थ है तो उसको भी 5 पापों के त्याग की बात तो कहेंगे ही ना, भले ही वो प्रतिज्ञा रूप न भी कर पाए तो भी उसको 5 पाप नहीं करना ये तो आपाल गोपाल सबके लिए उपदेश क्या। कोई प्रतिज्ञा लेके करे कोई बिना प्रतिज्ञा के करे लेकिन 5 पापों के त्याग की चर्चा तो वो सबके लिए करेगा क्योंकि उसका काम तो नीति का बताना है कि भाई 5 पाप नहीं करना चाहिए। तुम यदि प्रतिज्ञा लेते हो कि मैं नहीं करूंगा तो बहुत बढ़िया, तुम ये प्रतिज्ञा लेते हो कि बिल्कुल नहीं करूंगा तो सबसे बढ़िया, और ये लेते हो कि चलो मैं इतना नहीं करूंगा इतना करूंगा ठीक, और मैं प्रतिज्ञा भी नहीं लेते इतना है भावना कि चलो मैं नहीं करूंगा तो भी ठीक क्या। मतलब जैसा सदे जिसकी जैसी पात्रता हो जिसकी जो हो शक्ति ये उपदेश तो सबको देगा, मैंने इसका उपदेश तो पूरा वही व्रतादिक का उपदेश है और व्रतादिक में है क्या एक्चुअल में व्रतादिक तो वास्तव में अपनी जीवन शैली होनी चाहिए, 5 पाप नहीं करना, दिशाओं का परिमाण करना क्या, फालतू के व्यर्थ के पाप कार्य नहीं करना, भोगो भोग की सीमा बांधना, भोगो भोग एक सीमित होना, इसमें कोई बहुत बड़ा होता ही नहीं, ये तो एक जीवन जीने की एक शैली का नाम है और जिसके अंतरंग परिणामों में ऐसी दृढ़ता आ गई नहीं मैं किसी प्रकार से 5 पाप नहीं करूंगा अथवा तो एक देश में इसका त्याग करता हूं तो उसकी प्रतिज्ञा अंगीकार करता है वो तो अनुरोध अंगीकार कर लिया उसने प्रतिमा देवी उससे उसको 5वां गुणस्थान नहीं होगा क्या। वो तो 5वां गुणस्थान तो तत्वज्ञान करेगा अंदर में भेद विज्ञान करेगा और भेद विज्ञान पूर्वक 2 कषाय चोपड़ी का अभाव होगा तब उसके 5वां गुणस्थान प्रकट होगा। 5वां गुणस्थान का संबंध अनुरस से नहीं है, 5वां गुणस्थान का संबंध 2 कषाय चोपड़ी के अभाव से क्या। जितनी कषाय चोपड़ी का अभाव है वो अलग गुणस्थान है, 1 कषाय चोपड़ी का अभाव है तो 4था, 2 कषाय चोपड़ी का अभाव है तो 5वां, सम्यक तो सहित उसके यदि 2 कषाय का अभाव है तो उसके वास्तव में पापों का त्याग हुआ। दूसरी बात एक और है कि पाप और कषाय का संबंध है पूरा क्या,
इनका चोली दामन का साथ माने कषाय यदि है तो पाप वो बिना नहीं रहेगा। यूं कहें कि पाप कषाय के वश होकर ही होते हैं। लोभ पाप का बाप होता है। लोभ क्या है? कषाय। तो पाप होने में कारण कौन है? कषाय। यदि अंदर की कषाय विद्यमान है तो तू स्वयं नहीं करेगा तो कराएगा, कराएगा नहीं तो अनुमोदन करेगा। क्या मन से नहीं करेगा? काय से नहीं करेगा तो वचन से करेगा, वचन से नहीं करेगा तो मन से करेगा। आरंभ नहीं करेगा, समारंभ करेगा, समारंभ नहीं करेगा तो संभ्रम करेगा। इसलिए 108 प्रकार से पाप बताए पूर्ण में कषाय कहीं 108 प्रकार से पापों के त्याग में कषाय चार आती, चार कषाय। समझ में आया? संभ्रम समारंभ आरंभ मन वचन काया कृतकाय अनुमोदन, ये 27 से चार कषाय गुणा करते हैं तो 108 होते हैं। 108 प्रकार से पापों का त्याग करते हैं। अग कीने पर छेदनते, अग माने पाप, तो इन्हें 108 प्रकार से पाप होता है। तो पाप का त्याग करने के लिए कषाय का त्याग अनिवार्य है, उसके बिना त्याग नहीं होता। क्या अंदर में लोभ कषाय हो तो कितने ही कहो लो अपन परिग्रह का त्याग संभव नहीं। अभी अंदर है लोभ, क्या धन के प्रति आसक्ति है, धन जोड़ने का भाव है, धन अच्छा लगता है, तो अभी वो त्याग नहीं हो सकता। वो बाहर में ठीक है जो भी किया, लेकिन वो जो वास्तविक जो त्याग है वो कषाय के त्याग पूर्वक होता है। ये नियम क्या कषाय होगी तो वो कहते हैं कि पाप भले ही स्थूल रूप में छोड़ भी दिया हो लेकिन उनमें प्रवृत्ति हुए बिना रहेगी, क्योंकि कषाय ही पाप करने के प्रेरित करते। मान कषाय, लोभ कषाय, माया कषाय, क्रोध कषाय, ये चार कषाय तो पाप करने प्रेरित करते हो। काय की वजह से करते बता? परिग्रह आदमी काय के लिए होता है? लोभ से। अरे चोरी करता है काय से? लोभ से। क्या हिंसा करता है? क्रोध की वशीभूत होकर तो हिंसा करता है। झूठ बोलता है काय से? लोभ से। और इससे सेवन करता है वो भी लाभ कषाय, वेद कषाय से करता है। सब कषाय कारण है, कषाय सीधे परिणामों से संबंध रखती है। क्या? और इसलिए उसका बंध सीधे आत्मा को होता है। ये हिंसादि पाप तो बहिरंग प्रवृत्ति, असली चीज तो कषाय है। तो ये उन सबका वर्णन करता है, जैसे जीव धर्म साधन में लगे वैसे उस प्रकार से वर्णन करता है। ठीक है, बाकी हम कल करें।